हम लोग सोचे थे कि एक सेशन लेते हैं VR1। ऑलराइट, तो हम कम लोग हैं इसके ऊपर चर्चा कर सकेंगे। VR1 ये बोलने के ऊपर आपके मन में क्या ख्याल है? आप बताना चाहेंगे? जी मैम, तो VR1 जो है, मतलब जो भी इसमें जो अराउंड जो भी हमारे आसपास है, मतलब मैं या मेरे आसपास जैसे मनी जी हैं, या फिर इवन मेरे जो भी मेरा एनवायरनमेंट है, मेरा जो भी सर मेरा एनवायरनमेंट है अराउंड, राइट जैसे प्रकृति है या स्पेस है या राइट जो भी चीजें हैं, फिजिकल या नॉन फिजिकल फॉर्म में हैं, उन राइट सबको एक, वो सब को हम एक मानना कि वी आर वन। ऑलराइट ऑलराइट, तो आपने आंसर तो दे दिया। तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, हमारा प्रश्न यह है कि आज का टॉपिक है VR1। तो ये VR1 सुनने के बाद क्या लगता है? तो मुकेश जी ने बताया कि हम लोग सब अलग अलग इंसान या आजू बाजू जो भी है, हम सब एक है। उससे भी एक सवाल आता है कि क्या ये चीज हमें हजम होती है? ये हजम नहीं होती है, ये बात सही है। हाँ, इस हजम भाव में नहीं होती है। बहुत बढ़िया, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ओपन एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। वेरी गुड। कौन है? विद्या जी, कुमार जी, प्रणय जी, टी जी, क्या आपको ये चीज हजम होती है? VR1 होती है हजम? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके आप हमें रिप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ कुछ होती है विद्या जी हजम। अच्छा, तो यस एंड नो। अरे विद्या जी, ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर कुछ हो। बातें हजम नहीं एक लेडी होती है ना, अ लेडी कैन नॉट बी प्रेग्नेंट ऑल्सो एंड नॉट प्रेग्नेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो लेकिन बताइए। हाँ मैम, ये साउथ इंडिया में ये हाँ, झूठ ऐसा होता अच्छा है। कुछ होता कुछ करते हैं मैम। हमारे घर में कुछ चीजों को हम चूज सकते हैं, जैसे व्रत होता है, लक्ष्मी जी का व्रत होता है, गणेश जी का व्रत होता है, तो वो वेट कपड़ा वो डाल के ही हमें करना होता है सब कुछ, पूजा राइट वगैरह। ऑलराइट और वो पूजा करना ही एक स्ट्रेस हो जाता है। सासू माँ बहुत करती है ये चूता चूत सब कुछ। जैसे कि हमारे यहाँ वो स्नेक गॉड की पूजा होती है, नागर पंचमी होती है, हाँ कपड़े हाँ बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल में अगर मन अच्छा हो तो, अगर मन अच्छा हो तो ये सब मैटर करता है क्या, ये वास्तु सब कुछ? हाँ, मैं भी बिलीव करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी बिलीव करती हूँ, लेकिन ये छूना नहीं छूना वो सब मैटर करता है क्या भगवान को सच में? लवली। ओके, तो ये आपने क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा, पर क्वेश्चन का पहले आंसर तो दीजिए पहले वाले क्वेश्चन का। मैम एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्लैरिटी नहीं है। ओके ऑल राइट, सो यू हम आर फॉलो कर रहे हैं जो जो सासू माँ बोलती है, हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, समवेयर हमने समवेयर सवाल ये पूछा कि हमारा जो टॉपिक है आज का VR1, तो ये हजम हो रहा है आपको VR1 या नहीं हो रहा है? वी मतलब ह्यूमंस एवरीथिंग, हम सब एक है। हम सब एक है। हाँ शायद, हाँ मैम। होता है हजम। ओके ऑल राइट, थैंक यू फॉर दैट। मे बट बी रीजन डिफरेंट डिफरेंट होता है, हैबिट्स अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर डेथ वी ऑल रीच द सेम डेस्टिनेशन। ओके ऑल राइट, वेरी नाइस विद्या जी। ओके और जब बर्थ लेते हैं तभी सभी खाली ही आते हैं, तो दैट डजेंट मेक्स मच ऑफ डिफरेंस। ऑल राइट, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ओके वेरी नाइस। हाँ सो जो नए लोग आए हैं, जागृति जी, मधु जी, कविता जी, आज का टॉपिक है हम सब एक है, क्या आपकी सहमति है इस पर या आपको आपकी सहमति नहीं है, आपको कुछ शंका है? एक है, मैं तो है तो इसलिए तो मिलके है ना। वो ज्वाइन होने को नहीं आ रहा था दीदी, मुझे बहुत देर, मेरे बेटे ने फिर ज्वाइन करके दिया। हाँ, आज वही हुआ, आज क्रांति नहीं है ना, तो वो मैं लिंक नहीं शेयर कर पाई। वो समझ में, मैंने जागृति जी को मैसेज भी डाला, मुझे नहीं आ रहा है बोल के, फिर हाँ ठीक है, कोई भी हो गई ना, दिन में प्रयत्न क्रांति अंति हो गई। परमेश्वर, प्रयत्न जहाँ होता है वहां परमेश्वर भी मिल जाते हैं। तो ये तो जूम की मीटिंग थी, ये तो मिलनी थी। तो
हमारा सवाल पे आते हैं हम लोग, वी आर वन ये हजम हो रहा है या नहीं हो रहा है? मधु जी आपने सब बताया है, डज दैट मीन यस? यस यस I want to know, like, yes, can you just clarify it with some examples, like something which make us understand in a better way? Of course, of course. That is why the session is. We would go on. Yes, yes. And all right. Pranay ji, agar aap bhi aapka kuch opinion dena chahte hain, to you are most welcome. We are one. Ye hazam ho raha hai ya nahi ho raha hai? See, there's nothing right and nothing wrong. Everyone is right in his or her own place. जैसे समझ लीजिए 5 साल पहले मेरे लिए तो ये नहीं हजम हो रहा था कि हम एक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं हजम होता था तब हम एक है, कैसे क्या एक है ना, ये सब जो भी हमारे जीवन में समस्या है इसीलिए तो है कि हम एक नहीं है, सबके मत अलग है, सबका ये स्किन अलग है, सबका इलनेसेस अलग है, प्रॉब्लम अलग है, रिलेशनशिप्स अलग है, काम अलग है, सोच अलग है, खान पीन रहन सहन सब अलग 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 है, तो हम एक है ये हम कैसे बोल सकते हैं? यही कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हम देखेंगे एक्चुअली ब्रॉड लेवल पे. एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे है बुद्धिज्म. बुद्धिज्म इट सेज वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है, वी हैव टू रीच नथिंग, जीरो स्टेट के अंदर हमने पहुंचना है. और यही हमारे वेदास बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मांड है, हम सब कुछ है, हम भगवान है. टोटल अपोजिट्स हो गया, एक बोल रहा है हम कुछ नहीं है, एक बोल रहा है हम सब कुछ है. ऐसे अगर हम लॉजिकली देखेंगे, इंटेलेक्चुअली हम सोचेंगे, तो ये दोनों तो कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंसेस है जी जी. बट एक्चुअली ब्रॉडर लेवल पे फिर भी अगर हम देखेंगे ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक ही चीज है, ये अलग नहीं है. सेम चीज हम लोग बी आर वन को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मांड इन शॉर्ट यू नो हुआ कैसे है. सबसे पहले ब्रॉड लेवल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो शिव जी ने फिर विष्णु जी फिर ब्रह्मा जी, वो आपको पता है विष्णु जी के नाभि में से कमल आया और कमल के फूल के अंदर फिर ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी के अलग अलग पुत्र हुए और फिर उन्होंने ये धीरे धीरे फिर ये पृथ्वी भी बनी. उसके भी पहले सबसे पहले एक आवाज आई, एक एनर्जी स्वरूप, एक रोशनी आई, अग्नि बोल सकते हैं हम उन्हें, अग्नि देवता. और उसको फिर वो रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूँ. ब्रह्मा जी को भी ये हुआ, ब्रह्मा जी बहुत साल तक बस खोजते रहे कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ. फिर उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया, फिर उन्होंने ये तेज बनाया जिसे हम यू नो सन का प्रतीक बोल सकते हैं. उसने भी फिर उसको ख्याल आया कि अरे मैं कौन हूँ, हु एम आई अल्टीमेटली. फिर उसके बाद में वायु बनी, वायु के अंदर फिर वापिस से यह विचार आया कि मैं कौन हूँ, अग्नि है ठीक है ऑल राइट वायु है, फिर उसके बाद में क्या है, ध्वनि का उत्पन्न हुआ, ओम जो हम बोलते हैं नाद ब्रह्म उसका उत्पन्न हुआ. धीरे धीरे करते करते ये 5 एलिमेंट्स का क्रिएशन हुआ और ये 5 एलिमेंट्स में से बढ़ते 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 हम इतने सारे आज करोड़ों 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 लोग हैं. और ये इस पृथ्वी पर ही सिर्फ नहीं है, ये एक ही पृथ्वी नहीं है, ऐसे और बहुत सारे पृथ्वीया है, पृथ्वी है, ग्रह है, जिसके ऊपर भी जीव है. सो ये अगर हम देखेंगे तो हमारा उगम स्थान क्या है, हम ये अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं. एक तो हम समझ गए हम सब कहाँ से आए हैं, परमात्मा के ही हम सब बिछड़े हुए कण हैं. और वो जब बिछड़ते हैं तो बेसिकली क्या हुआ है, जैसे अभी देखिए कोई भी एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट को अगर स्पेस में जाना है, स्पेस में जाने के लिए वो ऐसे ही नहीं जा सकता है ना, उसे क्या करना होगा, तो स्पेस सूट पहनना होगा. अलग अलग प्रकार के सूट्स होते हैं, यानी व्हाट इज दैट सूट्स जो हम बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे कोश. और ऐसे हमारे जो बेसिक 5 कोश है, ये हमें पता है आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश. तो जब हम एक एक लेवल नीचे आते हैं तो ये कोश हमें मिलते रहते हैं. सबसे पहले हमें पता है अलग अलग लोका, हमने हमें पता है
अभी हम है भूलोका पे, दैट इज द पृथ्वी. पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ओम भूर्भुवस्वः, ये जो हम लोग श्लोक बोलते हैं गायत्री मंत्र, ये अलग अलग लोका के बारे में बोलते हैं. भू के ऊपर भुवः, भुव के ऊपर ओम भूर्भुव, ओम भूर्भुवस्वः, उसके ऊपर है स्वः, उसके ऊपर महा, उसके ऊपर जन, उसके ऊपर तपलोक, उसके ऊपर ब्रह्मलोक. तो ये जो पांच लोका में से होते हुए हम नीचे नीचे आते हैं तो हमें एक एक लेयर मिलता है, एक एक कोश मिलता है, और ये कोश लेके हुए फिर हम लोग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते हैं. नहीं तो हम एंटर नहीं कर सकते. जैसे हम इस सूट में हम मून पे नहीं जा सकते हैं, हमें अलग अलग स्तर लेने होंगे, वैसे ही नीचे आने के वक्त हम लोग आनंदमय कोश में ही सिर्फ एंटर नहीं कर सकते हैं पृथ्वी लोक में. तो ये भूलोक, पृथ्वी यानी भूलोक के अंदर एंटर करने के लिए हमने ये सारे कोश पहने हैं. और फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं. समझ लीजिए एक आईने का टुकड़ा है, ये आईना है समझ लीजिए, और ये आईना के बहुत सारे टुकड़े हो गए, और ये टुकड़े होने के बाद में अलग अलग दिशा में वो टुकड़े फेस करने लगे, उसके अंदर रिफ्लेक्शन जो आ रही थी परछाई अलग अलग आने लगी. हर टुकड़े को ये लगने लगा कि मैं तो अलग हूं, मैं तो अलग दिख रहा हूं ना, वो बाजू वाला तो है वो तो अलग दिख रहा है, उसका सब चीज अलग है, आकार अलग होगा, उसका सोचने का ढंग अलग होगा, दिखने का नजरिया पूरा अलग होगा. तो सोचने लग गए हम कि अरे हम अलग अलग है. अल्टीमेटली हम आत्मा है ये हमने जाना है भगवद गीता में बहुत सारे हमारे अलग तरीके से भी, और हम सब आत्मा परमात्मा के कण हैं. आई रिपीट, हम सब आत्माएं परमात्मा के कण हैं. जैसे एक ही आईने में से बिछड़े हुए सारे टुकड़े हैं, उन्हें लगता है वो अलग है बट एक्चुअली वो सब एक ही है. दिस इज वन थिंग. वन सेकेंड, आई जस्ट कम बैक टू यू व्हाट यू आर सेइंग श्रीनिवास जी. आई जस्ट टेक दिस वन मोर एग्जाम्पल फर्स्ट. हम एक और नजरिया से और देखेंगे. हमें पता है कि ये पंचभूता, यू नो पंच महाभूता इज ऑल दैट इज देयर. उसके अलावा वैसे अगर हम देखेंगे तो देखिए कुछ नहीं है. अगर हमें दो तरीके से देखना है तो सिर्फ दो चीज क्या है, पुरुष प्रकृति. पुरुष इज दैट विच इज फिक्स्ड, प्रकृति इज दैट विच इज चेंजिंग. पुरुष और स्त्री का जो यूनियन है ये सेम फंग शुए या यिन यान या हमारे श्री यंत्र के अंदर भी है, जो हम लोग कल परसों भी बात कर रहे थे, हमारे भजन ग्रुप के अंदर भी बात कर रहे थे, संगीत के अंदर भी. देखिए फिक्स्ड है वो ताल है, और जो यानी जो कि पुरुष है, और जो प्रकृति है जो बदलते रहती है वो है हमारा सुर, वो है हमारा लय. हमारे जीवन में पता है समस्या कब आती है, जब हम जो फिक्स्ड है उसको चेंज करने जाते हैं, और जो चेंज होते रहती है उसको फिक्स करने जाते. पुरुष को प्रकृति और प्रकृति को पुरुष, अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. एनीवे विल कम टू प्रॉब्लम लेटर ऑन, फर्स्ट लेट अस कंप्लीट दिस. अगर हम तीन तरीके से देखना है तो देखिए तीन गुण है और तीन दोष है. तीन गुण हमें पता है, सत रज और तम, और यही तीन दोष हमें पता है, वात पित्त कफ, और ये वात पित्त कफ को मिला के वैसे सात गुण हो जाते हैं, वो दो 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 और तीनों मिलके साथ में ऐसे सात गुण हो जाते हैं. फिर हमारे अलग अलग चार प्रकार के प्रहर है. फिर पांच तरीके से देखना है तो पांच हमारे एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट्स पंच महाभूता है. छह तरीके से देखना चाहते हैं तो षड्रस है, और सात तरीके ये पेशियां है. अगर हम फाइव एलिमेंट्स के हिसाब से चलिए देखने की कोशिश करते हैं, सो वी कैन ऑल्सो सी इन एनी ऑफ दीज वेज. आप भले पुरुष और प्रकृति ले लो, या आप सत रज तम ले लो, जो भी लेना है. जैसे वॉट इज ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमकार में. ओमकार इज नॉट अ ब्रह्म, वो है अ उ म. अ फर्स्ट लेटर विच अ चाइल्ड स्पीक्स विच वी कैन स्पीक इज अ, हम मुंह खोलते बराबर आवाज आता है अ. ऊ इज द सेंटर वाला, जिसके अंदर हम ऐसा वो तंबू बना के मुंह को ऐसा पूरा मेंटेन करते हैं. और म, म बोलने की कोशिश करिए, आप ओठ को बंद किए बिना म बोल ही नहीं सकेंगे. म
म बोलने के लिए आपको ओट बंद करना पड़ता है, तो ओम म बोलते वक्त वो जो है हमारी आवाज वो बंद हो जाती है, जो शिव जी का प्रतीक है, अ ब्रह्मा जी का प्रतीक है, और जो मेंटेन करते हैं पूरे दुनिया को जिससे हम ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, ये विष्णु जी का प्रतीक है। इंग्लिश में हम लोग जो गॉड बोलते हैं GOD, जी स्टैंड्स फॉर द जनरेटर, ओ स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजर, एंड डी स्टैंड्स फॉर द डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर इज नॉट इन द बैड वे। डिस्ट्रॉयर जैसे हम वेदंत बोलते हैं कि वेदा का जहां अंत होता है वहीं एक नई दुनिया शुरू होती है, तो कुछ नया शुरू होने के लिए पहले का कुछ है उसको हमें खत्म करना है, जो शिव जी का कार्य है। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वैसे ही ये सत रज और तम के प्रतीक भी है। वैसे अगर हम हमारे प्रकृति के हिसाब से भी, अगर गुण के हिसाब से भी अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे ही चलिए हम ये 5 एलिमेंट्स के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? खून। खून जो पानी का प्रतीक है, ये करीबन 65-75% है, विच डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, इन विच एरिया यू आर एंड व्हाट इज योर ड्रिंकिंग हैबिट, ये इसी के अंदर चेंज होता है। पृथ्वी के ऊपर कितना है जल तत्व? सेम 70%। वही 65-75% के बीच में ही ये रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऋतु कितना वो इवेपोरेशन होता है। एंड हमारा भी सेम ऐसे ही होता है, जितना एज बढ़ता है वैसे पानी का कंटेंट कम होता है शरीर में, और बच्चा जितना रहता है उतना कंटेंट ज्यादा होता है। अगेन आप कौन से एटमोसफियर में है, कितना हैबिट है। हमारे शरीर के अंदर जो पृथ्वी एलिमेंट है, व्हाट इज पृथ्वी एलिमेंट? हमारा जो क्या है पृथ्वी एलिमेंट, कुछ बता पाएंगे जी? सॉरी आवाज नहीं आई मुकेश जी। मेरे ख्याल से सॉलिड पार्ट है, जो मतलब जो फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं ना। वेरी नाइस, वो पृथ्वी एलिमेंट हो गया। वेरी नाइस। इन शॉर्ट, एक इंसान, हम बोलते हैं ना, जब देहांत होने के बाद में, बर्न करने के बाद में जो बचता है, जो बचता है वो हम एशेस जो बोलते हैं ना, अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, वो क्या है? दैट इज पृथ्वी ना, दैट इज ऑल दैट इज देयर, पृथ्वी। बट जो होता है वो क्या होता है? हमारे बोन्स होते हैं, हमारे बोन्स, मसल, स्किन, ऑल दिस इज द पृथ्वी एलिमेंट, विच अगेन इट इज द सेम ऑफ द पृथ्वी एलिमेंट। अभी देखिए भगवद गीता के अंदर बोला गया है कि पृथ्वी हम एग्जैक्टली बोलते किसको है, तो जिस हमारा ये जो पूरा पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर का जो लेयर है उसे हम आई थिंक मैंटल बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, उसका जो ज्योग्राफी का वर्ड है। अंदर कोर रहता है और कोर के ऊपर का जो लेयर है जिसमें जीव होता है उसको अगर हम देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो 1%। और ये भी जो ऐश होती है, ये ऐश अगर आप देखेंगे बर्न होने के बाद में जो बचती है, हमारे बॉडी का वजन अगर 60 किलो है तो वो ऐश है वो 1% ही बचेगी। तो दैट इज अगेन सिमिलर टू व्हाट द पृथ्वी एलिमेंट ऑफ द अर्थ इज, सिमिलर द वायु एलिमेंट विच इज सेट टू बी 4%। सेम वायु एलिमेंट हमारे यहाँ पे भी जो है दैट इज 4%, एंड देन द रिमेनिंग इज द 8%। ये सारे चीज अगर हम एलिमेंट्स के रूप में देखेंगे तो क्या ये सेम नहीं है? सेम है, हम जहां जन्म लेते हैं। और एक और दिलचस्प बात बताती हूँ, आप समझ लीजिए राजस्थान में जन्म ले रहे हैं, एक इंसान ने राजस्थान में जन्म लिया और एक इंसान ने हिमाचल प्रदेश में जन्म लिया। राजस्थान के मिट्टी के अंदर उसका जहां जन्म हुआ है, उस मिट्टी के अंदर जितना नाइट्रोजन है, जितना परसेंट फॉस्फरस है, जितना परसेंट मैग्नीशियम है, उतना ही एग्जैक्ट परसेंटेज वो सारे मिनरल्स वो इंसान के शरीर में होगा। और दैट विल वेरी फ्रॉम द पर्सन जिसका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ है तो वहां के मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फॉस्फरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सबका प्रपोर्शन अलग होगा राजस्थान की मिट्टी से। और वो सेम प्रपोर्शन जो इंसान वहां पे जन्म लिया है उसका प्रपोर्शन सेम उसी मिट्टी के हिसाब से होगा। इंटरेस्टिंग है ना ये बात? ऑल राइट, तो हम आई थिंक आपके सवाल लेते हैं यहाँ पे। इसमें
चैट बॉक्स में श्रीनिवास सर जी ऑडिबल तुलसी आल्सो गिव्स अ बॉक्स. ऑल राइट, लेट मी, आई फील ग्रहस अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट. एम आई राइट? स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट रिलीजन. यस, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस फ्रॉम टॉप. Give me 1 second, I'll just connect the mouse. Spirituality is different than religion. आजकल आप देखिए religion के नाम के अंदर ही झगड़े होने लगे हैं, मारा मारी, खून खराबी. किसी गुरु ने नहीं बोला था, बुद्धा ने नहीं बोला था कि तुम बुद्धिज्म ही स्प्रेड करो, सभी ने बुद्धा ही होना चाहिए. बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसे नहीं बोला था, भगवान कृष्ण ने नहीं बोला, जीजस ने नहीं बोला, राम भगवान ने नहीं बोला. उनके फॉलोवर्स ने वो रिलीजन बना लिया है. सो रिलीजन यानी धर्म एंड स्पिरिचुअलिटी इज अध्यात्म. स्पिरिचुअलिटी इज वे बियॉन्ड रिलीजन. रिलीजन तो लोगों ने वो उसको और ब्रेक कर दिया है. एंड बट नॉट एवरी वन बिलीव्स इट. दो हमारे मन में, ये मन से क्या होगा, मानने या ना मानने से. ऑल राइट, थैंक यू, सॉरी विद्या जी. मानने या ना मानने से क्या होगा. ऑल राइट, श्रीनिवास जी सेइंग आई फील ग्रहस अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके, ऑल राइट, वी विल कम टू दैट. श्रीनिवास जी, वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर अश्वत्थ वृक्ष एंड प्रदक्षिणा एवरी डे इज इम्पोर्टेंट. येस, दैट्स राइट. And Kumar ji is saying spirituality is so really help a person to be closer to God and think about moksha. Spirituality is really helping a person to identify what is tamasic, sattvic. Yes, absolutely, yes. Yeah, the upper thing is the crust, right? Tulsi also gives oxygen, right? I'm living in Bangalore, so there will be conflict in my earlier friend. Achha, there's an interesting question. Mukesh ji bata rahe, I'm born in Rajasthan, but I'm living in Bangalore. So would there be conflict in my earlier pinned content to now? Mukesh ji, हमारा जो शरीर है ना, ये पुरुष तत्व नहीं, ये प्रकृति तत्व है. तो ये एडजस्ट कर लेता है, ये चेंज कर रहता है. अमेजिंग बॉडी है हमारी. हम जिस जगह पे जाते हैं वहां पे हम एडजस्ट हो जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं. अभी जैसे राजस्थान में नॉर्मली मारवाड़ीज का जन्म बोलते हैं, यानी मारवाड़ से मारवाड़ीज आए हैं. पर अगर वो जाके चेन्नई में बसे हैं तो आप उनका खाना पीना देखिए, वो लोग डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, वो दाल बाटी नहीं खाएंगे, वो गट्टे की सब्जी और सरसों का साग नहीं खाएंगे. और ऑटोमेटिकली जो हमारा पिंड है, हमारा शरीर है, अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी एलिमेंट है, हमारे अंदर के सारे पंच महाभूता ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं. सो डोंट वरी मुकेश जी, यू आर फाइन वेरी वेल. और इसमें प्रकृति हमारा चेंज हो गया, लेकिन फिर क्या मेरा पुरुष तत्व क्या है? व्हाट इज दैट पुरुष तत्व? पंच महाभूत इज प्रकृति तत्व. आत्मा. आत्मा, ओके, दैट इज द ओनली पुरुष तत्व. यस, देखिए जब भी अगर हमें, और हम सभी को हमने देखा है बहुत बार, क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए. अगर हमें एक ही चीज चाहिए ये बोलना है, वो एक चीज कौन सी है, तो क्या होगी? आनंद. आनंद चाहिए, वेरी नाइस. आनंद चाहिए, वो आनंद पाने के रास्ते सबके अलग अलग होंगे, राइट? किसी को पैसा मिलेगा तो आनंद मिलेगा, किसी को अच्छे रिलेशनशिप्स मिलेंगे तो आनंद मिलेगी, किसी को फिक्स्ड नौकरी मिलेगी तो अच्छा आनंद है, किसी को छोकरी मिलेगी तो आनंद है. अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेज के अंदर, अलग अलग मनस्थिति में आनंद का, आनंद की परिभाषा अलग अलग हो जाती है. पर यही आनंद आप सोचिए, आपने पहले भी ऐसे ही सोचा है ना कि अरे मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या होता है वो जाने दीजिए. बट जो भी चीज होती है वो आनंद कितने देर के लिए आपके साथ होती है? क्या आप कभी परमानेंटली आनंदित हो सके हो? क्यों नहीं हो सके हो? और अगर नहीं हो सके हो तो क्योंकि वो जो आनंद है वो आपने प्रकृति के साथ में जोड़ा हुआ था. यानी जो चीज टेम्पररी है ना उसके साथ में उसको जोड़ दिया था. अगर वो आनंद आप फिक्स्ड चीज जो पुरुष तत्व है उसके साथ में जोड़ेंगे तो वो परमानेंट रहेगा. परमानेंट चीज के साथ जोड़ो तो परमानेंट होगा, टेम्पररी चीज के साथ में जोड़ो तो टेम्पररी रहेगा. आपको केक पसंद है, ये केक का पीस है, ये केक का पीस, आप बहुत खुश हो गए,
तो ये परमानेंट है क्या? और ये तो खत्म होने वाला है ना, और फिर कहाँ जाएगा आनंद? भले ही आप रिलेशनशिप्स देख लो, या भले ही कुछ खाने पीने की चीज देख लो, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी देख लो, मकान देख लो, गाड़ी देख लो, घोड़े देख लो, नौकर चाकर देख लो, एनीथिंग एट ऑल, इट इज ऑल टेम्पररी, सो इट इज ऑल प्रकृति, राइट? सैडनेस रहती है मैम, जो द सैडनेस व्हाट मेनी टाइम्स वी फील दैट इवन आफ्टर अचीविंग दोज आनंद, व्हाट एवर टेम्पररी आनंद, बेसिकली द पुरुष हैज नॉट गॉट द आनंद, दैट इज द रीजन, राइट? एब्सोल्युटली. और ये हमें देखिए, वो सही नॉलेज के बाद में, फिर वो एक्सपीरियंस के बाद में, फिर हम वहां पे इंक्लाइन होते हैं, थैंक यू. राइट? या द वॉटर इन द पॉट केप्ट इन द नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी चेंज्ड एवरी डे, क्या? अच्छा, चलो, वेरी नाइस, या इट इज गुड इफ यू चेंज. चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं. ये फाइव एलिमेंट्स है ना, ये देखिए हमारा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ, हमारे पास है ना थोड़ा समय, तो अच्छा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा. अभी फॉर एग्जांपल, अभी हम रिलेट करते हैं वास्तु शास्त्र, आयुर्वेदा अगर हो हुआ तो, और एस्ट्रोलॉजी, और ये फाइव एलिमेंट्स. हाँ चलिए देखने की कोशिश करते हैं. हमारे जीवन में हमेशा प्रॉब्लम कब, सॉरी, तो ये फाइव एलिमेंट्स के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं. हमने देखा हमें समस्या कब आती है, हम पुरुष को प्रकृति यानी जो फिक्स्ड है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, या जो फिक्स नहीं है उसे हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम आता है. हमारे जीवन में जब भी इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम आता है. वात पित्त कफ, इसके अंदर इम्बैलेंस आ गया तो हमारे प्रकृति के अंदर हमारे फिजिकल इलनेसेस वगैरह अपियर होंगे, डिजीजेस होंगे, एक्सेट्रा. एवरीथिंग इज बेसिकली वॉट? इम्बैलेंस. और यही इम्बैलेंस गवर्न कौन करता है? फाइव एलिमेंट्स. कैसे? चलिए हम हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए रिलेटेड ये देख लेते हैं. हमारे ये पांच उंगलियां भी जो है ये फाइव एलिमेंट्स का प्रतीक है. अंगूठा रिप्रेजेंट करता है अग्नि एलिमेंट को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है ये वायु एलिमेंट को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द स्पेस एलिमेंट, द रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट, एंड द स्मॉल फिंगर रिप्रेजेंट्स द वॉटर, द जल एलिमेंट. यही पांच एलिमेंट्स हमारे दोष जो है ना, वात पित्त या कफ, इसको रिप्रेजेंट करती है. फायर एलिमेंट ये रिप्रेजेंट करता है पित्त को. अगर पित्त, अगर आपका फायर अग्नि तत्व यानी हमारे जठर अग्नि जो बोलते हैं ना, व्हाट इज अग्नि? हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि. फायर ऐसा अलग से नहीं है, पर फिर भी जठर के अंदर अग्नि जो है पेट के अंदर, वही बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज इंस्ट्रूमेंटल टू योर एंटायर डाइजेशन, टू योर एंटायर हेल्थ. अगर उसने डाइजेस्ट नहीं किया तो गया हेल्थ, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. जो नहीं दिखता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर वो बढ़ गया तो आपका पित्त दोष हो जाएगा. वैसे ही अगर आपका इम्बैलेंस हो गया पानी और पृथ्वी एलिमेंट का, तो ये कफ दोष होगा. और अगर आपका इम्बैलेंस हो गया हवा एंड स्पेस, आकाश, इस तत्व का, तो आपको वात दोष होगा. बहुत सी बार लोगों को एक दोष नहीं होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आइदर 3 to 4 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस होता है. अभी यही आप में से कोई कुछ समस्या आपके जीवन में का कुछ बताए, कोई भी समस्या, एक छोटी सी समस्या एक लाइन के अंदर कौन बता सकता है, वो बताए. हाँ मैम, शशि जी बताए. मैम मेरे बेटे का मैंने पत्री दिखाया था एस्ट्रोलॉजर को, तो मार्केश का दशा बताया, शनि पे नहीं, शनि, मुझे समस्या बताए, एक चीज का, एक वो एक लाइन में समस्या बताए. हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत है, रेस्पिरेशन हाँ, हेल्थ यानी कौन सा वाला? रेस्पिरेशन का बताया आपने. का भी है, नर्वस सिस्टम का भी है. आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर प्रॉब्लम है. नॉर्थ और ईस्ट, ईशान्य कोना जो है ना, वहां पे आपके घर में प्रॉब्लम है. तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो उसको क्या प्रॉब्लम है? रेस्पिरेशन एंड नर्वस. नर्वस तब क्या हो रहा है वो और बताइए. थोड़ा सा वो डिप्रेसिव टाइप का हो रहा है, डिप्रेशन टाइप. नॉर्थ ईस्ट में एक तो कुछ तो अग्नि एलिमेंट है, और आपके नॉर्थ ईस्ट में आइदर कुछ तो कट है,
सम इट इज नॉट कंप्लीट ऐसा पूरा तरीके से, ये दोनों कुछ तो ये आपके इसमें यानी ये जो आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप बोलेंगे तो ये ऐसा कुछ कट है नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पे कुछ अग्नि है यहाँ पे? नहीं मैम नॉर्थ ईस्ट क्या क्या है बताइए मैम, यहाँ विंडो है। ये रूम कौन सा है नॉर्थ ईस्ट में का आपके यहाँ पे? ये ड्रॉइंग रूम है, ये ड्रॉइंग रूम है और हाँ? इधर में भगवान का मंदिर है इधर। हाँ हाँ इधर हाँ। एंट्री ये कॉर्नर, ये कॉर्नर में सीमेंटेड है, इसके बाद खिड़की है। ये यानी कौन से नॉर्थ? हाँ ये नॉर्थ ही है मैम, ये नॉर्थ। हाँ नॉर्थ ईस्ट। और ये स्क्वायर है ऐसा पूरा? हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सीमेंटेड है। घर खोलने के बाद में सामने क्या दिख रहा है? सम पोल, सम ट्री, सम बैरियर और वहां पे फायर एलिमेंट लाइक वहां पे जी का मूर्ति। घर खोलते ही सामने विष्णु जी का मूर्ति रखा हुआ है, वेंकटेश भगवान का, बहुत सुंदर सा एक मूर्ति रखा हुआ। आपके घर के अंदर है या वो किसी मंदिर है या क्या है? नहीं घर के अंदर है, ड्रॉइंग रूम में जैसे साइड टेबल पे रखते हैं ना, और घर खोलते ही राइट साइड में भगवान का मंदिर है। आपका या किसी और का? हमारा हमारा। ओके आई एम नॉट एबल टू टेल यू राइट नाउ, आई कैन जस्ट टेल यू कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में प्रॉब्लम है। अब ये क्या प्रकार के हो सकते हैं वो आपको बताती हूँ, चलिए वो आप देखिए फोटोज भेजिए या तो फिर आप घर खोलेंगे। बहुत सी बार तो ऐसे होता है घर खोलते बराबर सामने अगर पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, स्पेशली इलेक्ट्रिक पोल रहेगा तो दैट इज बहुत ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक। अभी ये कैसे हो रहा है अब सबसे पहले तो ये अभी टैली हुआ नहीं है, पर आप ये पहले एक बार देखिए। नॉर्थ ईस्ट ये हमारे पानी का जोन है, नॉर्थ नॉर्थ एरिया इज ऑल्सो पानी का जोन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ये दोनों एरिया ये एक्सटेंड होते हैं पानी का एलिमेंट। पानी के एलिमेंट के अगर अंदर अगर हमने अग्नि एलिमेंट रख दिया है तो ये हमारे ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कुछ तो सम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे ही अगर आप देखेंगे आपके कुंडली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चौथे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है या आपके कुंडली में पांचवे घर में प्रॉब्लम होगा। शशि जी आपके आपका पहला बेटा है या दूसरा बेटा है? फर्स्ट किड और सेकंड किड? फर्स्ट। हाँ तो फिफ्थ घर के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगा जो अगेन वापस नॉर्थ दिशा ही बता रहा है, तो आपके नॉर्थ दिशा में जरूर से कुछ तो है। अभी ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज एलिमेंट्स इज द सेम, नॉर्थ इज द वॉटर एलिमेंट और वॉटर एलिमेंट के जगह के ऊपर अगर कुछ अग्नि आ गया है विच इज रिप्रेजेंटिंग द हेड एंड द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो दैट इज अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। एवरीथिंग हमारे आयुर्वेदा में तो हमने देखा जैसे ये जो साउथ वेस्ट में है ना बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, दैट इज तो गुड, दैट इज तो गुड। साउथ वेस्ट तो वजनदार चाहिए। जो इस घर में पहले रहते थे रेंट पे जिन लोग उन्होंने रखा था, मैंने बेड के नीचे भी इतने बड़े बड़े पत्थर रखे तो वो तो हम लोगों ने हटवा दिए, तो उन्होंने वास्तु करेक्शन के लिए रखे होंगे। हाँ हाँ सो इट्स ओके ना, हटाने का जरूरत नहीं है। नहीं मत हटाइए, रहने दीजिए, पलंग के नीचे ना रखे। हाँ साउथ वेस्ट में रखे पर हमारे पलंग के नीचे हमारे ऊपर वो रात भर उसका असर होगा। Keep the spaces clear. All right, हम एक, I think एक किस्सा और लेते हैं। और कोई कुछ बोल सकता है? One, some problem that you have in your life, ऐसा? मैम financial flow के लिए कुछ बताइए। अच्छा ये सभी का होगा मेरे ख्याल से। हाँ, मेरा भी वही है। सभी को पैसे चाहिए, सभी को हेल्थ चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, सभी को रिलेशनशिप चाहिए, ये सबके नॉर्मल। We cannot deny the fact कि पैसा सभी को चाहिए एक्चुअली। कौन सी चीज नहीं चाहिए बताइए, सभी चीज सबको चाहिए एवरीवन। और पैसे अगर है आपके पास में और हेल्थ नहीं है तो पैसे का कोई फायदा नहीं। पैसे है और आप
रिलेशनशिप चाहिए, जीवन रिलेशनशिप नहीं है आपके, इसमें कोई इंसान नहीं है आपके जीवन में, तो आप क्या करेंगे पैसे लेके? ऐसा मैं करूंगी, मेरा किस्सा अलग है पर जिन्हें ये हाँ कुमार जी, ये हमारे घर में तो ये सामने हमने जो तुलसी रखी थी हाँ वो तो अग्निहोत्र विभूति डाल रहे थे वो आ रहा था, लेकिन थोड़े दिन से पहले पूरा वो चला गया, ये पौधे पूरा चला गया, नहीं आ रहा है अभी वो। तो किसके लिए, कोई कुछ नेगेटिविटी है क्या, किस बात के लिए वो सब कुछ? फॉर श्योर अगर तुलसी के पेड़ नहीं जी रहे हैं तो जरूर से कुछ निगेटिविटी है, और वो निगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लिया है उसने, सो इट इज यू नो गुड दैट दैट तुलसी के पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। आप दूसरा तुलसी का पौधा जरूर लाके रखे एंड पॉजिटिविटी बनाए रखे, बरकरार रखे उसमें। आपका एक आधा प्रॉब्लम बताए। एक तो प्रॉब्लम है सबसे कि... बड़ा सबसे मेजर क्या है अभी जीवन में? शांति नहीं मिल रही है। ओके, नो पीस ऑफ माइंड। And the main reason for not having peace is it relationship, finance, health, what? All the three. All the three, relationship with as well as my mother and my wife and finance and as well as everything. चलो हम एक एक करके देखते हैं। आपने क्या बोला? Relationship. Relationship with my mother finance, and my finance and health and wealth, health point of view also. Health and wealth. Finance is job or business? Kya hai? Business hai madam ji. Business hai. ओके, फाइनेंस का आप एक वर्ड में बताइए, एक लाइन में बताइए क्या प्रॉब्लम है। अभी अभी मैंने कुछ कंसल्टेंसी का शुरू किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग स्टॉक ट्रेडिंग। अभी अभी कंसल्टेंसी शुरू किया, वो तो थोड़ा चल रहा है, कुछ तो क्लाइंट्स मिला है, वो सभी मैंने जो करना है फॉर्मेलिटीज हुआ है, लेकिन उसकी तरफ से कुछ ये नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, देखिए क्लाइंट्स नहीं आ रहा है, रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो नॉर्थ साइड में प्रॉब्लम है। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। सो अभी उन्होंने बोला कि क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट का रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो व्हाट इज दैट? कुबेर जी का, यानी भगवान कुबेर जो है, जो हमारे मनी के, हमारे लक्ष्मी पैसे के जो गुरु है, स्वामी है, ये इनका नॉर्थ जोन है। तो अगर दैट इज सम प्रॉब्लम, सम इश्यू इन द नॉर्थ एरिया, सो अगेन दैट नॉर्थ एरिया इन द सेंस आपके कुंडली के अंदर चौथा घर हो सकता है, आपके कुंडली के अंदर दूसरा और दसवां घर है, सेकेंड टेंथ इलेवेंथ, ये तीन चीज घर में प्रॉब्लम है। और वैसे ही अगर आप एलिमेंट देखेंगे तो आपके एलिमेंट, अगर आपके जीवन में फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए इतना वो इकट्ठा कनेक्टेड है, आपका वजन बढ़ रहा है, ये समस्या है, इसका मतलब ये है कि साउथ वेस्ट कोना आपके घर के अंदर कट है, नहीं है यानी हॉलो है वैसा, कट है। अगर वो कट है तो आपका शरीर उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो आपका वजन अगर कम करना है तो साउथ वेस्ट कोना है, इसको आप भर दीजिए, सिंपल थिंग। व्हाट हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारा शरीर होता है। एम आई रीचिंग यू? ऐसे ही देखिए क्या हो रहा है। अभी नॉर्थ साइड क्या है, जहां से हमारे क्लाइंट्स आते हैं, जहां से कस्टमर्स आते हैं, आपके जो भी ये आते हैं, अगर वो ही नहीं आ रहे हैं तो कहां से ब्लॉकेज है? ब्लॉकेज है नॉर्थ से, ब्लॉकेज है पानी से। पानी आ रहा है, पानी को ब्लॉक कौन करता है? पानी को ब्लॉक करता है अर्थ, पृथ्वी एलिमेंट। तो आपके घर के अंदर नॉर्थ एरिया के अंदर देखिए कि वहां पे कुछ तो पृथ्वी एलिमेंट का कुछ है क्या, सम अर्थ एलिमेंट का कलर होगा उनका, अर्थ का मेन अर्थ यानी मिट्टी होगी कहीं पे,
वो कुछ प्रॉब्लम है क्या, या नॉर्थ एरिया में कहीं कट है क्या, कहीं निश है क्या, वो फुल नहीं है क्या, ऐसा कुछ है क्या, वो देखने की आप कोशिश करिए. ओके फाइन मैम. ओके ओके आई ट्राई टू डू दैट पार्ट ऑफ इट. ओके नाउ दिस इज वन थिंग. सेकंड, यू आल्सो सेड अबाउट द रिलेशनशिप एंड दैट इज द साउथ वेस्ट कॉर्नर. कुमार जी ओके फाइन. हेल्थ में कौन से इसका हेल्थ का प्रॉब्लम, व्हिच ऑर्गन? हेल्थ तो मेरा थोड़ा हार्ट बर्न का प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है मैडम जी. ब्रह्मा स्थान, नॉर्थ ईस्ट स्थान, उसके बीच में जो स्थान है. ओके हाँ, ये क्या बोलते हैं हम उसको, अपा. आपके घर में जैसा ये पूरा घर हो गया, तो ये बीच का हो गया ये ब्रह्मा स्थान, और ये ये जो एरिया है यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके, यहाँ पे घर में. ओके ओके बिटवीन द ब्रह्मा स्थान एंड द नॉर्थ ईस्ट स्थान. उसके लिए तो क्या करना है मैडम जी? है आप उसके लिए रेमेडी जो है वो वहां पे, अगेन आप हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न प्रॉब्लम, हार्ट बर्न, आप चांदी के यूटेंसिल के अंदर पानी भर के उस एरिया में रखें. ओके 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 सिमिलरली वहां पे आप देखिए कि लाल रंग ना हो, पीला रंग ना हो, पीले रंग की कोई चीज ना हो, लाल रंग की कोई चीज ना हो. ओके अगेन चलिए हम कलर के ऊपर आए ना, कलर भी समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज कलर, व्हाट इज कलर? बहुत रिसर्चेस हुए हैं कलर के ऊपर. कलर हमारे आईज जो परसीव करते हैं ना, ये बेसिकली हमारा जो ब्रेन परसीव कर रहा है, इट इज जस्ट द वे दैट वी लुक एट इट, एंड इट इज बेसिकली नथिंग बट अ वाइब्रेशन. वो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट हमने किया है ना, एक प्रिज्म रहता है ग्लास का, और उसके अंदर से हम वो व्हाइट बीम डालते हैं, और वो 7 कलर्स ऐसे अलग अलग स्प्रेड होते हैं, इंद्रधनुष के रेनबो के 7 कलर. तो वो 7 कलर्स जो है, दैट इज व्हाट इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. जैसे साउंड होता है, व्हाट इज साउंड? साउंड इज अगेन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट? जैसे हम लोग को रेडियो को ट्यून करते हैं, वो ट्यून कर लेंगे, वो फ्रीक्वेंसी सेम मैच हो जाएगी जादू के जैसे, वो हम वो रेडियो का आवाज सुनाई देंगे. सो व्हाट इज दैट इज अगेन अ फ्रीक्वेंसी. हमारे जीवन में हमारे ईच एंड एवरी सेल जो है, दिस इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको यकीन नहीं होगा, 1 महीने की भी बात नहीं है. 1 महीने पहले ही मैंने क्राति को बताया था, क्राति यहाँ पे आई थी, तब वो एक इंसान से मिली थी और उस इंसान की मेमोरी चले गई, मेमोरी लॉस, शी कुडंट रिकॉग्नाइज हर हस्बैंड. बच्चों को पहचान रही थी, हस्बैंड को नहीं पहचान रही थी, एंड शी हैड ट्रिमेंडस हेडेक, शी वाज टॉकिंग ऑल क्रैप, सम आउट ऑफ सेंस, यानी कुछ रिलेशन नहीं था. उसको मैंने बोला कि तुम जाओ एक बार तो स्कैन करवा लो कि क्या हुआ है, वो तो पता चले ना, डायग्नोसिस तो एक बार करवा लो, उसके बाद में फिर क्या है वो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ एक्शन हम लोग सोच सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं. शी वॉज नॉट रेडी टू गो, गई नहीं वो. उसको सिर्फ साउंड थेरेपी, एनर्जी हीलिंग और फूड का थोड़ा सा जो बताया, 1 महीना पूरा नहीं हुआ, शी इज फाइन, विदाउट अ सिंगल MRI, विदाउट अ सिंगल इंटरवेंशन ऑफ एनी एलोपैथिक डॉक्टर. उनका मैं आपको मैसेज बताती हूँ, मारवाड़ी में लिखा है उसने, बट आप फिर भी समझ पाएंगे. ऐसे ही अभी एक इंसान है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो चोखी इंप्रूवमेंट हुई है, म्यूजिक सू. हाँ, ओनली म्यूजिक यू कैन सी कि इंप्रूवमेंट हो जाता है. सेकंड, आपको एक किस्सा बता रही हूँ. ये इंसान है, इनके साल भर पहले यहाँ पे कैंसर था, जीभ है उसको काट के वहां पे प्लेट लगा दिया था यहाँ पे, और वो प्लेट है वो स्किन में से बाहर आ गई है. इमेजिन करिए क्या होता होगा वो इंसान को. ये देखिए फोटो दिख रहा है, वो प्लेट बाहर आ गई है. अभी डॉक्टर्स भी उनको नहीं ले रहे हैं कि वी कांट टेक दिस, इसका ये ट्रीटमेंट.
जो इंसान यहाँ पे अगर उसका स्किन में ये ऐसा हुआ होगा, ऑल राइट वन मोर ये क्लोजअप फोटो, ये स्किन के अंदर अगर ऐसा है तो वो मुंह नहीं खोल पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, और पेन आप इमेजिन करिए कितना है। आज आई थिंक दिवाली के जस्ट बाद ये आए थे, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा। इस इंसान को जो दुखना था वो बंद हो गया है, वो कम हो गया है ये ऐसा होने के बावजूद भी, और गुस्सा उसका चला गया है, गुस्सा नहीं करता है जो पहले ईच एंड एवरी छोटे छोटे चीज के ऊपर गुस्सा कर रहा है। क्या है एलिमेंट का बैलेंस? एलिमेंट्स, व्हाट इज एलिमेंट्स? अभी जो वापस श्रीनिवास जी बोल रहे थे, हमारे ऊपर असर कौन सी चीज का होता है, देखिए तीन चीजों का असर होता है। हमने एक बार बात की थी इसके ऊपर, हमने जो भी किया है ना, हमने ही हमारे जीवन में एक्चुअली इनवाइट किए हैं प्रॉब्लम्स। किस तरीके से? हमने किसी का बुरा किया होगा ना, अगर पिछले जन्म में भी होगा तो वो फेरना तो पड़ेगा, लौट आएगा ना। तो हम जो बोलते हैं हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, जो भी कर्म किए हैं हमने, कर्म कांड यू नो किया होगा, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में होगा, उसके पहले के जन्म में होगा, तो वो घूम फिर के हमारे पास दोबारा आता है। सेकेंड इज, अब भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा आहार विहार आचार विचार क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि हम क्या फेस कर रहे हैं, समस्या है या हम आनंदित सिचुएशन में है। एंड थर्ड इज द कॉस्मिक इफेक्ट ऑन अस। और ये सब चीज अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर जो फाइव एलिमेंट्स है उनका इफेक्ट हम पर होता है। जैसे हमने एक वजन का एग्जाम्पल लिया ना, साउथ वेस्ट वजनदार होना चाहिए, अगर आपके घर में वो कट है आपका वजन बढ़ेगा, आपके शरीर का वजन बढ़ेगा, क्योंकि आपका शरीर वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। हम सब इकट्ठे एक होते हैं हर चीज हमारे जीवन के अंदर। अभी अग्नि एलिमेंट है वो डिवॉइड है तो क्या होगा, आपको बहुत सारे लॉसेस होते रहेंगे आपके जीवन में। कमाई अगर नॉर्थ एलिमेंट इज बैलेंस, ठीक है कमाई आ रही है, साउथ ईस्ट इज नॉट बैलेंस, लॉस साउथ साउथ वेस्ट इज ऑल्सो प्रॉब्लम है वहां पे, लॉसेस एक्सपेंडिचर, मोबाइल खराब हो गया, ये टूट गया फूट गया, बिना मतलब का खर्चा होगा जिसकी जरूरत नहीं होती है, अल्टीमेटली सेविंग्स नहीं होगी। सो ऑल दिस इज बेसिकली व्हाट, तो बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज इफ यू लुक एट एनीथिंग, व्हाट इज रिलेशनशिप, इट इज वॉटर एलिमेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इमोशन। व्हाट इज लक्ष्मी एलिमेंट, दैट इज द फायर एलिमेंट विच इज गिविंग यू द एनर्जीज एंड द रीजन टू टेक योर आहार विहार, योर रोटी कपड़ा मकान। हर चीज को आप देखेंगे तो आप वो एलिमेंट्स के अंदर आपको नजर आएगी ये चीजें। आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, हम एक सेकेंड, श्रीनिवास जी ने और भी कुछ पूछा था, फॉर गुड एजुकेशन एंड स्कूलिंग what corrections are required, is it for the children, Srinivas ji, for whom, for the children wala education kya? So considering a good education and schooling likha hai, schooling of course bachcho ka, agar aapko schooling aur education acha karwana hai to iska waste kona hai, और वेस्ट जो है, चलिए हम ये साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है। या आप भी आपके घर के अंदर जोन्स देख सकते हैं, देखिए नॉर्थ एरिया एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया ये पानी के जोन है, पानी इसके कारण मिलती है हवा, उसके बाद में हवा का एरिया इज द ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्ट, दिस बिकम्स द हवा का जोन। इसके बाद में है फायर, साउथ ईस्ट एंड साउथ, दिस इज द फायर एलिमेंट। उसके बाद में इज द अर्थ एलिमेंट, अ स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट विच इज द साउथ वेस्ट एरिया। उसके बाद में वेस्ट इज द स्पेस एलिमेंट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज द स्पेस एलिमेंट, एंड वी कम बैक टू द नॉर्थ एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिव साइकिल, प्रोडक्टिव साइकिल इन द सेंस क्या, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट क्रिएट कर रहा है, दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट क्रिएट कर रहा है, तीसरा चौथे को क्रिएट कर रहा है, चौथा पांचवे को क्रिएट कर रहा है, और पांचवा वापस से पहले को क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही होता है एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल, ये हमने प्रोडक्टिव साइकिल देखा है। डिस्ट्रक्टिव साइकिल इसकी अगर हम एक स्किप करके नेक्स्ट जाएंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। इसके अंदर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जैसे हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं और फंग शुई,
यानी फेंग शुई बोलते हैं, कुछ लोग फंग शुई बोलते हैं, द चाइनीज सिस्टम वेरी सिमिलर. इट इज नॉट यू नो, वैसे देखने में जा जाएंगे तो ये डिफरेंट नहीं है. नॉर्थ इज अ वॉटर एलिमेंट इन फंग शुई ऑल्सो एंड इन आर वास्तुशास्त्र ऑल्सो. अभी पान वॉटर एलिमेंट के कारण क्या होता है, उसके कारण पेड़ पौधे होते हैं जो हवा देते हैं. पेड़ पौधे उन्हें चाइनीज सिस्टम में वो वुड बोलते हैं और हमारे यहाँ पे एयर बोलते हैं. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. व्हाट इज द एयर एंड वुड गिविंग अस? दे आर गिविंग अस फायर. तो फायर आ गया उसके बाद में. व्हाट इज द फायर गिविंग अस? कोई भी चीज आप जला दो क्या मिलेगा हमें? हमें पृथ्वी मिलेगी ना, बिकॉज दैट इज ऐश. ऐश राख. राख यानी क्या है? पृथ्वी एलिमेंट है. तो पृथ्वी एलिमेंट मिल गई. पृथ्वी एलिमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है, पृथ्वी एलिमेंट के अंदर है मेटल. हमें जो भी मेटल्स मिलते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर मिलते हैं. एंड व्हाट इज दैट? अगर आप देखेंगे, देखिए ग्लास लीजिए, या अगर आप ग्लास, पता है कैसे बनता है? मिट्टी से बनता है. ग्लास, कांच, ये बनता है मिट्टी से. सो दैट इज, एंड वी ऑल्सो गेट द मेटल्स अंदर से. एंड देन व्हाट इज मेटल? मेटल को अगर हम लिक्विडिफाई करके हम पानी भी मिला सकते हैं. अगर हम इसको एस्केप करते हैं, मेटल के बाद में आता है पानी, पानी को एस्केप कर दे तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल हो जाएगा, क्योंकि मेटल है ये लकड़े को काट देगा. वैसे ही पानी है ये अग्नि को बुझा देगी. हमने बीच का स्किप कर दिया, पानी के बाद में हमने हवा नहीं लिया, डायरेक्टली अग्नि लिया. पानी और ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल हो गया. एम आई रीचिंग यू? यस मैम. या सो या मुकेश जी, वेयर शुड वी कीप वॉटर फाउंटेन इन द होम? कितना बड़ा वॉटर फाउंटेन है मुकेश जी, उस पर वो डिपेंड करेगा. छोटा है, आप ये नॉर्थ ईस्ट कोने में रख सकते हैं, इतना हाइट का जो होगा वो. एंड नेहा जी, इसका रिकॉर्डिंग किया है वो क्रांति को, जब भी समय मिलेगा तब अभी वो डालेगी रिकॉर्डिंग. एक्चुअली मैम मैं ट्यूशन ले रही हूँ ना, इसलिए मेरे को पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो मैंने पूछा रिकॉर्डिंग. हाँ या ओके, थोड़ा या आई थिंक क्रांति दो तीन दिन के बाद वो हो जाएगी फ्री. हाँ वो मैरिज में एक्चुअली बिजी है मैम. हाँ मैम, एक क्वेश्चन था. मेरा रूम साउथ वेस्ट में है, तो बेड के बगल में साइड टेबल है, दैट इज एक्सट्रीम साउथ वेस्ट. तो वहां पर पानी का बोतल दो तीन रहता ही है एनी टाइम. तो इज इट एनी प्रॉब्लम? इट विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम? देखिए साउथ वेस्ट यानी कौन सा कोना हुआ, कौन सा एलिमेंट हुआ? अर्थ एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट है. अभी अर्थ एलिमेंट की अगर आपको पानी रखना है तो आप ज्यादा मत रखिए. आप रखेंगे दैट इज ओके. या अवॉइड कर दें तो और अच्छा है. हाँ अवॉइड करें तो और अच्छा है. देखिए अर्थ एलिमेंट के यहाँ वहां पे अगर आपको रखना है तो कीप अ छोटा सा, आप प्लांट रख सकते हैं जिसमें एक छोटा सा पौधा हो. प्लांट्स तो है वहां पे रखे हुए, उस विंडो पे प्लांट्स हैं. हाँ और अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं तो देर आर फ्यू प्लांट्स विच आर इंडोर प्लांट्स जो ऑक्सीजन देते हैं रात में भी. नहीं तो आपके बेडरूम के अंदर अगर रात में कार्बन डाइऑक्साइड देने वाले प्लांट रहेंगे तो दिक्कत होगी. तो कीप थिंग्स लाइक यू नो देर इज अ स्पाइडर वेब, देर इज एट मदर टंग, वो चीज रहेंगे तो दैट इज गिविंग ऑक्सीजन एंड दैट इज देन फाइन. या मुकेश जी, आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ये दो कोने में आप वॉटर एलिमेंट रख सकते हैं. अभी हमने जो एक ये जो आपको बताया ना पेशेंट का फोटो, ये वेरी लास्ट, ये इसके अंदर बीमारी क्या किया हमने? हमने वास्तु का ही करेक्शन किया. उनके यहाँ पे जो प्रॉब्लम था, उनका जो जबड़ा का जोन था, वो जोन को हमने करेक्ट ट्रीट किया है. सो व्हाट इज मदर्स टंग? अच्छा, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लांट विद्या जी. सो इट्स I'll send you a photograph. It's called a snake plant, ma'am. Snake plant also and mother's tongue also, yes. Both are the same thing. Snake. Ma'am, तो जैसे साउथ ईस्ट में जैसे पानी है और प्राय सभी के रहता है, तो वहां पर कोई कलर का टेप, रेड टेप लगा देने से ठीक रहेगा क्या? रेड एंड तो पानी बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट में तो पानी. साउथ ईस्ट मैम, साउथ ईस्ट. हाँ साउथ ईस्ट में तो पानी इज डेंजरस,
बिकॉज अग्नि है ना, अग्नि को पानी बुझा देता है, यानी जो फाइनेंसेस है वो उसको स्टॉप कर दिया उसने. वेरी सिंपल, गेट डाउन एवरीथिंग इनटू एलिमेंट्स. आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा इश्यूज है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, क्या है, व्हाट एलिमेंट इज दैट, आपका एलिमेंट क्या है आपका. इवन वापस हम अगर डीप में जाएंगे तो सन साइन, मून साइन, अलग अलग ग्रह के अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं एलिमेंट्स. बट एनीवे, इन शॉर्ट वी आर ऑल अल्टीमेटली वन. सो ओके, मदर्स टंग नहीं है, उसको मदर इन लॉ टंग बोलते हैं, जो स्नेक प्लांट है. मदर इन लॉ टंग बिकॉज दैट इज उन लोगों को टोचता है, इसलिए उसका नाम मदर इन लॉ टंग रखा है. व्हाट टू डू फॉर childlessness, is it something to do with vastu? Yes, it is. You have to pay attention to the west corner and aapke kundli ke andar agar aapko dekhna hai to panchwa ghar, ye do grah ka wo grah mein jo bhi dosh hai aapke panchve ghar mein kundli ke andar, both the mother and the father, I mean in fact the couple has to look in the fifth house of their own kundlis and the west zone of the ghar. वो दो प्रश्न है. एक मेरे को पेट का एलिमेंट, मतलब मुझे यू नो पेट पेट रिलेटेड डाइजेशन प्रॉब्लम, ये मेरे को काफी टाइम से है, लेकिन मैं घर भी मेरे बदले हैं इन दिस पीरियड, मैं कई घर अलग अलग घरों में रहा हूँ, बट दिस प्रॉब्लम इज देयर. ओके, इट all the problems which we have is not only because of the house. House is one element, jaise humne dekha na, hamare kundli ke andar bhi jaise hota hai, and hamare eating habits ke upar hota hai aur karmic account pe hota hai. Ek aapko kissa batati hu wapas. Waise aapke ghar ke brahma sthan ke andar kuch abhi samasya hai, and चलिए हम एक बार ये देखते हैं. मैं जब सीख रही थी ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो मेरे साथ में जो एक और फेलो स्टूडेंट थी, यानी राजस्थान की थी वो, उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, वो चली नहीं पा रही थी बेचारी लड़की, यानी बहुत बार उसको सपोर्ट लगता था, पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम था चलने में वगैरह, उसकी शादी भी होनी बाकी थी, तो वो एज में ये समस्या बहुत होती है ना कि अरे हम यू नो कैसे करें क्या करें वगैरह. ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम लोग सब एक दूसरे का लेते करते थे, बिकॉज हमें सीखना था ना, वो सीखते वक्त हम लोग चल तू मेरा ले मैं तेरा लेती हूँ ऐसे ऐसे उसका, और इवेंचुअली उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने जब लिया, ये पता चला पिछले जीवन में, पिछले लाइफ में वो एक प्रिंसेस थी, उसने एक पैलेस में से छलांग लगा के आत्महत्या कर ली थी, और वो आत्महत्या के अंदर वो जो पैर के ऊपर उसने छलांग लगाई थी ना, तो इस जन्म में सारे डॉक्टर्स हो गए उसके, सारे फॉरेन वगैरह के भी डॉक्टर्स से लेके सब सब जो भी वो देख सकते थे, कहीं रेमेडी नहीं मिली. वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में रेमेडी मिली कि पिछले जन्म में उसने वो खुदकुशी की थी, वो पैर के ऊपर गिरी थी, और वो उसका प्रॉब्लम था कि वो पैर के ऊपर गिरी, वो अभी तक उसको पेन कर रहा था. इसका आपको एलोपैथी में या इवन आयुर्वेदा में या कहीं पे कैसे मिलेगा कुछ प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता है. जैसे हमने वो एक मदर का देखा था ना, वो उसके बेटे को मार के खुद खुदकुशी करना चाह रही थी, उसका बेटा ऑटिस्टिक था, उसने देखा उसके पास लाइफ में कि उसका इस जन्म का जो बेटा है जो अभी ऑटिस्टिक है, मेंटली रिटार्डेड है, वो उसका पति था पिछले जन्म में, और उसने उसके पति की हत्या की थी जहर देके, वो पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए उसने ये जन्म लिया है वो पाप को फेड़ने के लिए, तो इसलिए वो पूरा जो बोझा है उसके पुत्र का, जो पिछले जन्म का पति, देखिए इमेजिन करिए, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कभी कभी. फिर जब उसको पता चला कि ओ अच्छा ये ऐसा है, तो शी वॉज लाइक लिटिल लिटिल क्या बहुत डिफरेंस हुआ. जब वो आई थी तो ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे तो मेरे बेटे को मार के खुद मरना है, आत्महत्या करनी है, ऐसे सिचुएशन में थी. फिर जब उसको कारण पता चला, उसका जीवन पूरा बदल गया. दिस इज वॉट नॉलेज कैन डू इन आर लाइफ, that is its importance. ये question लिखा है, past life regression में solution मिलेगा क्या, मुझे नहीं पता.
और मैं अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करती हूँ बिकॉज पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हेल लॉट ऑफ टाइम गोज और कितना समय जाता है ये हमें पता नहीं रहता है, कौन सा सॉल्यूशन कब मिलेगा ये नहीं पता रहता है, जो कुछ मिले थे वो आपको मैंने बताया। और अभी मेरे पास में सीरियसली बहुत क्रिटिकल लोगों को भी देखने के लिए समय नहीं होता है, इसलिए हम लोग सेशंस लेते हैं कि सेशंस में ज्यादा लोग साथ में आए, एक एक लोग में बहुत कम, बहुत ज्यादा क्रिटिकल लोगों का कभी कुछ देख लेती हूँ ऐसे, बट नहीं समय मिलता है। सो एंड आई वॉन्ट जस्ट पास लाइफ रिग्रेशन बिकॉज लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी गोज इन टू दैट। मैम तुलसी प्लांट होता है अपना, ये हमारे पास जैसे तीन चार तुलसी है जो अभी वो मैंने बालकनी में रखे हुए हैं, लेकिन क्या मुझे तुलसी प्लांट अंदर घर में रखना चाहिए? मेरी तो अपार्टमेंट है। हाँ, तुलसी अगर आपने करके अंदर रखना है तो आप नॉर्थ या ईस्ट कोने में डायरेक्शन में आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। और पर तुलसी के पौधे को है ना धूप अच्छी चाहिए होती है, स्पेशली अभी ठंडी के दिनों के अंदर भी। ये कुमार जी ने भी क्वेश्चन पूछा था ना तुलसी का, या शशि जी ने, किसने पूछा था तुलसी का? कुमार जी ने पूछा था। अगर हम इसको बहुत ज्यादा ठंड में रखेंगे ना तो ठंड के अंदर भी तुलसी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो मर जाती है। वो एक और चीज होती है, वो निगेटिविटी लेती है, घर के अंदर थी तो इसलिए वो निगेटिविटी लेती है। और उसको सूर्य की रोशनी भी मिलनी चाहिए होती है, उसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ये चार चीज आपने ध्यान रखना है। कुछ दिन आप अंदर रख सकते हैं, कुछ दिन बाहर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं मुकेश जी। थैंक यू। मंजुआ का तुळशीची कुंडी, बोर, खाली बोर आहे, वरती फरशी टाकून त्याच्यावर तुळशीची कुंडी आणि दोन तीन शोची कुंडी ठेवून तिथे दिवा लावते मी, चालतंय का? कोणता कॉर्नर आहे, डिरेक्शन कोणती? उत्तर दिशेला, आमचं मेन दार उत्तरला आहे, उत्तर दाराच्या समोरच ते बोर आहे, बोरच्या वर फरशी टाकून। चालेल चालेल, छान, एकदम छान। आणि दिवा पण लावते मी आता दिवाळीपासून। चालेल, एकदम छान, बहुत खूप खूप छान। मैम, हाँ मैम, वो तुलसी का सीड ऊपर आता है ना, तो उसे कट कर देना चाहिए क्या? क्या आवाज आपका इको हो रहा है? हेलो, अभी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बताइए। वो तुलसी के ऊपर सीड्स आते हैं ना, राइट, जब वो सीड आते हैं तो उसे कट कर देना चाहिए क्या? हाँ, अभी ये हमारे एक्चुअली फार्मिंग का टॉपिक हो गया। ओके, अगर आप तुलसी को और बढ़ाना चाह रहे हो तो ऊपर का जो मंजीरी सीड्स आते हैं उसको आप कट कर दीजिए। जहां से आप कट करेंगे वहां से एक की जगह फिर दो ब्रांचेस आएंगे तो वो वाइड भी होगा और वो तुलसी के पौधे अच्छे भी बढ़ेंगे। और सीड्स आने के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सिंपल, उसको क्या मैसेज आता है, मैंने तो मेरा काम कर दिया, सीड्स बना दिए, मेरा काम खत्म। वो हम कर देंगे तो उसको मिलेगा, अच्छा नहीं, मुझे तो और काम करना है। तो कट कर देना चाहिए क्या? इफ यू वॉन्ट इट टू ग्रो, यस, ग्रो जाएगा। हाँ हाँ। एंड कुमार जी, हाउ डू वी फाइंड आवरसेल्व्स व्हाट वी वर इन द पिछले जन्म? यू कैन डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं चाहो तो। मुझे उसमें अभी ये नहीं लगता है, मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ नॉर्मली, बट फिर भी कभी कभी कुछ लोगों का अगर रहता है तो वो कर सकते हैं। मैं तो क्यूरियस हूँ मैडम जी, इसके बारे में सुनने के लिए। क्या कुमार जी? आई एम क्यूरियस अबाउट टू नो अबाउट दैट। आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी कैन वर्क ऑन द क्यूरियोसिटी, दैट इज मच इजियर एंड बेटर एंड फास्टर। ओके ओके मैडम जी, ओके। द क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, ऐसा ही था ना कुछ? Like it's one kind of really to know more and more about that what we were, because we are struggling a lot in this, means we just want to know, it is really a curious what we were earlier. Struggling is just a state of the mind and we can just deal at the manasthiti. Aap 21 days mein aa jaiye Kumar ji. Zarur aayenge. Man, man, pichle janam mein bhi patni ke sath jhagda kar rahe the shayad. बारे ना, मैंने जब वो किस्सा बताया ना, वो ये औरत का, कि उसने उसके पति का पिछले जन्म में जो खून किया था और इस जन्म में जो उसका पुत्र बन के आया है मेंटली रिटार्डेड स्टेट के अंदर वगैरह,
तो बहुत सारे लोगों का जब वो पति के साथ जमता नहीं है या पति का पत्नी के साथ जमता नहीं है तो वो बोलते थे कि पिछले जन्म में जरूर ये मेरी दुश्मन रही होगी मेरा भी नो कमेंट्स, मेरा ऐसा कुछ भी बिल्कुल कहना नहीं है, बट दीज एक्चुअली हम कहेंगे ना एक चीज बस यही कहना चाहूंगी, हम लोग सबक सीखने आए हैं, वी हैव टेकन बर्थ टू लर्न आर लेसन्स, एंड द सूनर वी लर्न आर लेसन्स द सूनर वी कैन गेट थ्रू ऑल द ट्रबल्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स. Life is very simple, very beautiful, and we have made it. You know, we have filled it with troubles. एक बार हम लोग वो balance लेके आ जाएंगे, छोटे-छोटे आयाम हमारे जो भी होते हैं इसके अंदर, तो it's actually absolutely peaceful and wonderful. And बहुत कुछ कुछ simple चीजें हम लोग बहुत जल्दी आयुर्वेदा का भी करेंगे. अभी मैंने आपको बताया था 3 साल से ज्यादा, 3.5 साल हो गए मैंने एक भी दवाई नहीं ली है. सिर दुखने की नहीं या सर्दी की नहीं या वॉट एवर किसी की नहीं. सिंपल थिंग व्हाट आई डू रोज सुबह इस तरीके से बस नाड़ी परीक्षण कर लेना है. अभी मेरा कफ थोड़ा सा ज्यादा है, अभी मेरा कफ ज्यादा है, ये मैं सुबह उठते बराबर करती हूँ 10 सेकेंड्स के अंदर. देन आई गेट टू नो कि आज मैंने पेठे का जूस पीना है, लेमन हनी वाटर पीना है, मैंने काढ़ा पीना है, तुलसी का, अदरक का, हमारा हर्बल टी एक है ऑलरेडी, मोरिंगा एंड व्हीट ग्रास वगैरह वो पीना है, टर्मरिक डाल के वगैरह, या क्या पीना है उसी वक्त पी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. क्योंकि हमारे जीवन में भले ही वो कैंसर है या डायबिटीज है या हार्ट प्रॉब्लम है, सबका कारण एक ही है, इम्बैलेंस. सबका कारण एक ही है, जो भी तामसिकता है आपके शरीर के अंदर कहीं जमा हो गई है. आयुर्वेदा में कहते हैं दोषो एव हि सर्वे साम रोगा नाम एकारणम रोग अद्वैत कारण अद्वैत चिकित्सा अद्वैत निदानाम अद्वैत. आपको जो भी दोष हुए है ना वो सारा आप बोलेंगे दोषो एव हि सर्वे नाम, बहुत अलग अलग उसके नाम है पर उसका कारण एक है, उसका चिकित्सा एक है, उसका निदानम एक है, उसका हल एक है. क्या है वो एक चीज, ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, रिमूव द तामसिकता. हाउ डू यू डू दैट, बैलेंस योर वात पित्त कफ, खत्म. लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटिफुल, कीप एंजॉयिंग. सो या सॉरी आई जस्ट मिस दिस क्वेश्चन, हम ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. गैलेक्सी M21G बता रहे हैं लेमन प्लांट ग्रोज इन द पॉट, वॉट टू बी डन. या लेमन प्लांट कैन ग्रो इन द पॉट क्वाइट, बट एटलीस्ट 2 फीट का प्लांट ले लीजिए, वो पेड़ इसके अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, कोई बात नहीं. और वो देखिए जितने रूट्स डीप जाएंगे उतना वो जो प्लांट है वो हाई जाएगा. ये लेमन का प्लांट है, इसको आप ऊपर से जो ट्रिमिंग करते रहेंगे ना तो वो वाइट हो जाएगा, और वो जो पॉट है वो जितना हाइट है उसके मुकाबले उस प्रपोर्शन के अंदर उसका हाइट होगा. But you can 2 feet के pot के अंदर you can have that also. चलिए thank you ma'am. तो yeah thank you. हम राजवी शेट्टी meditation group में हुआ. अच्छा अच्छा जी, okay all right, बढ़िया जी, नमस्ते. So चलिए हम लोग प्रार्थना से समाप्ति करते हैं. चलिए सो प्रार्थना मुद्रा. प्रार्थना भाव मन में, कृतज्ञ भाव मन में, और मन में बहुत सारा प्यार और आनंद. हस तो माँ सत्कमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. ओम शांति शांति शांति. ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 नमस्ते शुभरात्रि थैंक यू मैम थैंक यू नमस्ते नमस्ते मैम